मैं बोलूँगी कि प्लीज़ बच्चों को बहुत ही प्यार से हैंडल करिए, मारना पीटना बंद करिए, बच्चों को प्यार से हैंडल करिए। मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ वीडियोस भी हैं। जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लोगों ने मुझे बताया और काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा कि मैम आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तो मुझे देखिए काफ़ी अच्छा भी लगा। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आजकल काफ़ी हिंसक घटनाएं हो रही है बच्चों को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं यही सबसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ टीचर्स, आप गुरु हो तो गुरु की तरफ बिहेव करिए। मारना पीटना ये बहुत अलग बात है, बच्चों को जितने प्यार से आप हैंडल करेंगे बच्चे उतने ही प्यार से आपकी बातें सुनेंगे, आपको एडमायर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो प्लीज़ प्यार से हैंडल करने की कोशिश करिए, एक मदर की तरह कोशिश करिए कि मदर की तरह उनको हैंडल करिए, एक दोस्त की तरह हैंडल करिए, तो सर चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी सारी बातें सुनेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरह से उस दिन लम्हा किया था, क्या बात सर? उस दिन हमारे यहाँ फ्रूट चाट एक्टिविटी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है। उस दिन फ्रूट चाट एक्टिविटी थी और बच्चे काफ़ी शैतानी भी कर रहे थे उस टाइम पे। तो अथर्व उस टाइम पे बदमाशी कर रहे थे, मैंने बोला अथर्व प्लीज़ कम, अथर्व आए, मैंने बोला कि आप बदमाशी कर रहे हो, तो बोला कि नहीं मैम नहीं करूँगा, मैं बोली मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप बहुत बदमाशी कर रहे हो। तो अथर्व का रिएक्शन था नहीं मैम आप प्लीज़ मुझसे बात करिए, मैं बदमाशी नहीं करूँगा। तो मैंने अथर्व से थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हुए कि नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो अथर्व काफ़ी प्यार से मुझे मना रहे हैं कि नहीं मैम प्लीज़ मान जाइए, मैम नहीं करूँगा, मैम अब नहीं करूँगा, और उन्होंने काफ़ी किस्से विस्से दे के मुझे मनाया। फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है ठीक है, फिर अथर्व को मैंने मैं मान ली बातों को। आपका वीडियो रातों रात स्टार हुआ, आप भी स्टार हुए? जी सर देखा मैंने, अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चीज़।